मैं एक्चुअली पंजाबी हूँ, तो लाइक तो मुझे सब कुछ पता है यहाँ क्या होता है नहीं होता है। दिल में, सबके दिमाग में, सबके मन में, में भी लीन है, खाने में भी लीन है। दखता का साथ ऐसी चलेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर और मैं हूँ आपके साथ स्वाति सिंह। नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और आज छठा दिन है। आपको बता दें कि दुर्गा माँ की मूर्ति आपको पीछे नज़र आ रही होगी। 5 दिन यानी कि दुर्गा माँ का साफ तौर पर जिस तरीके से माँ के सामने से मुंह से जो है उनके पूरे फेस से पूरी चादर से उनका मुंह ढका होता है और आज के दिन उनका साफ तौर पर आपको कितनी सुंदर खूबसूरत मूर्ति सामने नज़र आ रही होगी देवी माँ की। यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है, जितने भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं इतना उत्साह साथ यहाँ लोग नजर आ रहे हैं। सब लोग माँ की आराधना में इस तरीके से लीन हैं और लोग यहाँ पर किस तरीके से आए हुए हैं उनसे भी पूछेंगे उनके मन के कई सवाल। और ऐसे में आपको बता दें कि आप लोग भी इस पूरे पर्व को बड़े ही उत्साह के साथ मना रहे होंगे। देश के कोने कोने में ये पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। 9 दिन माँ की आराधना की जाती है और छठी, सातवें और अष्टमी कहें और नौवीं में फाइनली जाकर माँ की पूजा संपन्न होती है। ऐसे में आपके साथ हम एक एक यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उनकी आस्था, उनके तमाम मन के सवाल और आपके मन के हर सवाल का जवाब यहाँ देखेंगे। दुर्गा माँ की पूजा देश में कोने कोने में की जाती है। ऐसे में हम यहाँ दिल्ली के काली मंदिर में मौजूद हैं, यहाँ सीआर पार्क में। आपको बता दें कि जिस तरीके से भक्त जब मंदिर में आते हैं तो उसके बाद जिस तरीके से माँ की आराधना में लीन हो जाते हैं और यहाँ पर काली मंदिर में ऐसा मेला लगा हुआ है बड़े। आज आपको बता दूँ छठा दिन है और आज माँ के चेहरे से कपड़ा हटाया गया है। कहा जाता है छठे दिन माँ के अंदर प्राण और जान दोनों आ जाती हैं। ऐसे में चलिए मैं यहाँ पर जितने लोग आए हैं, जितनी खुशी के साथ लोग यहाँ नज़र आ रहे हैं, कुछ सवाल कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कि आखिरकार माँ की आराधना कैसे करते हैं, क्या शक्ति कहाँ से आती है, आज की दुर्गा कहाँ है। और या यूँ कह लूँ कि आज का रावण, हम दशहरे पर रावण भी वध किया जाएगा, वो कहाँ है, राम कहाँ है, ये ज़रूर पूछ लेते हैं। चलिए मैं आपको बता दूँ कि हमारे पीछे बड़ी ही सुंदर लेडीज बैठी हुई हैं, इतनी खूबसूरत लग रही हैं। मैम आपका नाम क्या है? सागरिका। कहाँ से आई हैं? मैं तो दिल्ली की हूँ बट यू नो बॉर्न अ बंगाली हुज़ लिव्ड ऑल हर लाइफ आउटसाइड बंगाल, तो दुर्गा पूजा से कनेक्शन कुछ और ही है। सबसे ज़्यादा इस टाइम पे आपको बंगाल की याद आती है, बट आई थिंक आप जब यहाँ आते हो और जब आप माँ दुर्गा के दर्शन करते हो तो आपको लगता है कि नो आई एम विथ कनेक्टिंग विथ माई रूट्स। अगर कहा जाए कि आज यहाँ आकर आपने जैसे कहा बहुत अच्छा एकदम कनेक्टिंग फील हो रहा है यहाँ पर आकर, आप बताइए कि आज की दुर्गा माँ कहाँ है? आप हमारी दुर्गा माँ वहाँ देख रहे हैं and I think every beautiful woman जिनको आप आज देख रहे हो उन सब में there is a Durga Ma in her you know in a woman's you know उसके compassion में, उसके fierceness में, the way a woman can feel in every role of life, be it personal or professional, I think every woman has Durga Ma in her. Thank you so much. Thank you. आप बहुत सुंदर लग रहे हैं। Thank you so much. Thank you. आपका नाम क्या है? सुरभि। कहाँ से आई हैं आप? मैं वैसे लखनऊ से हूँ but I'm living in Delhi for the past couple of years now. यहाँ आके बिल्कुल घर जैसी फीलिंग आती है, लगता है कि अपने माँ के घर आ गए। सो एवरी ईयर लाइक व्हेनेवर वी आर इन दिल्ली अवे फ्रॉम होम दिस इज़ आवर सोलेस, सो वी फाइंड अ वे टू माँ। यहाँ आके हमें अच्छा लगता है एकदम। सो या कहा जाता है कि हर, जैसे कि मैम ने बोला कि हर एक लेडी के अंदर दुर्गा माँ है, तो आजकल की जो महिलाएं हैं उनके उनको अपने अंदर दुर्गा माँ को पहचानने की ज़रूरत है, कैसे है कुछ बताइए अपने विचार। हर किसी को पता है कि उनके अंदर माँ का वास है, दे जस्ट हैव टू यू नो रियलाइज दैट द पावर इज़ विद इन देमसेल्फ। कि कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी करे, आपको नहीं भूलना है कि आपकी ताकत क्या है। तो हर सिचुएशन को एकदम डट के वो सामना करिए एंड डोंट लेट एनीवन डिम योर लाइट। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर जो लेडीज़ आई हैं बड़ी ही खूबसूरत लग रही हैं, बिल्कुल दुर्गा माँ को देख लीजिए और यहाँ के खूबसूरत लेडीज़ को देख लीजिए। बताया है कि हर एक महिला के अंदर दुर्गा माँ है। यहाँ और भी लेडीज़ मौजूद है, मैं आपको बता दूँ बड़ी ही साफ तौर पर आपको चारों तरफ लेडीज़ ही नज़र आ जाएंगी। मैम आपका नाम क्या है? अंशिका। अंशिका आप कहाँ से आई हैं? लक्ष्मी नगर से। यहाँ आकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है बहुत। दुर्गा पूजा कैसे बनाती है?
मैं एक्चुअली पंजाबी हूँ, तो लाइक मेरी फ्रेंड के साथ में आई हूँ पहली बार। आप पंजाबी हैं बस, मतलब बिल्कुल अगर कहा जाए कि फील लेने के लिए आई हैं। हाँ, क्योंकि मैं पहले कभी आई नहीं, तो मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करने के लिए आई थी कि लाइक कि कैसे होता है एंड ऑल। अगर आज की दुर्गा माँ को ढूंढा जाए तो कहाँ है दुर्गा माँ? सब में है एक्चुअली। हाँ जी, अगर आज की लेडीज को अगर आप कहना चाहेंगी अपने अंदर की दुर्गा माँ को पहचानिए, तो कैसे पहचाने? उनको बस अपने अंदर झांक के देखने की बहुत ज़रूरत है कि लाइक दे हैव टू नो कि लाइक उनके अंदर भी दुर्गा माँ है, एंड लाइक स्केयर्ड नहीं होना चाहिए उन्हें, तो ऐसे ही उनको पता चलेगा कि उनके अंदर है। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर लोग जो हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपनी साफ तौर पर कह लो कि फास्ट रखे हैं, तो पूजा के लिए आए हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ आए हैं, कुछ लोग इन्जॉय करने आए हैं। मैं आपको बता दूँ कि कई लोग हैं हमारे सामने। आपको बता दें कि अगर हम देखें, दादी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दादी, आपका नाम क्या है? नाम प्रणति चक्रवर्ती जी। कैसा लग रहा है यहाँ आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। दुर्गा माँ के लिए क्या कहना चाहेंगी? सब कोई अच्छा रहो। और आज की महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? महिला लोग ज़्यादा ज़्यादा ऊपर उठने अच्छा है। हाँ, जितना अपना ताकत है ऐसी चलेगा जी। अपना अपना ताकत से चलेगा। दादी का कहना है कि अपनी ताकत से चलेगा और महिलाओं को अपनी ताकत पहचानने की ज़रूरत है। हमारे सामने और बहुत सुंदर लेडीज मौजूद है। मैं आपको बता दूँ, अभी तो फोटोग्राफी में बिजी है, थोड़ा ध्यान में हटा देती हूँ। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पद्मजा चक्रवर्ती है जी। आप कहाँ से आई हैं? मैं नोएडा से आई हूँ। मैं क्लासिकल वोकलिस्ट हूँ एक्चुअली। ओके। यहाँ आकर कैसा लग रहा है? यहाँ मैं पहले रहती थी, तो मुझे सब कुछ पता है यहाँ क्या होता है नहीं होता है। तो हम खींचे चले आते हैं यहाँ, जब पूजा होता है रहा नहीं जाता नोएडा में, यहाँ आने के लिए तरसते हैं, तो हम इसीलिए फिर इस बार भी आ गए हैं। नवरात्र के पूरे व्रत रखे हैं? नहीं, नवरात्र की व्रत हम बंगाली है, तो व्रत हम ऐसे पूरा नवरात्रि तो नहीं रखते हैं, लेकिन सप्तमी, अष्टमी एंड नवमी बंगाली इसका बहुत बड़ा पूजा होता है, और भोग प्रसाद भी लेते हैं हम, फास्ट करके अंजलि भी देते हैं बस विसर्जन तक। बिल्कुल। अगर कहा जाए कि दुर्गा माँ को ढूंढिए, तो कहाँ ढूंढे दुर्गा माँ को? अपने दिल पे। आजकल की महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी? के लिए मैं कहना चाहूँगी कि जितना भी वो आगे बढ़े, जो भी करे, लेकिन भगवान पे विश्वास रखे, दुर्गा माँ पर विश्वास रखे। कहीं ना कहीं दुर्गा माँ है, और हमारे लिए वो हर वक्त हमारे हाथ माथे पे उनका आशीर्वाद हर वक्त रहेगा। शुक्रिया मैम। दुर्गा माँ हर किसी के अंदर हैं, हर महिला के अंदर हैं, और यहाँ पर जितनी भी लेडीज़ आई हैं, बड़ी ही अपने अपने परिवार के साथ लोग यहाँ आए हुए हैं, कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ यहाँ आए हैं। दुर्गा माँ से जुड़े हर सवाल उनसे पूछे गए, सबका कहना है कि आपके हमारे अंदर दुर्गा माँ ज़रूर है, बस पहचानने की ज़रूरत है। अभी और लोगों से भी बात करेंगे और आपके मन के सवाल भी उनमें टटोलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपके हर एक सवाल, क्योंकि हर कोई दुर्गा पूजा को अपने अंदाज से मनाता है। हम यहाँ सीआर पार्क में काली मंदिर में इसलिए भी आए हैं ताकि आपको यहाँ लोग किस तरीके से भक्ति में लीन होते हैं, खास तौर पर यहाँ का पूरा माहौल आप देख सकते हैं किस तरीके से स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पर लोग अपने अपने स्टॉल्स को लगाए हुए हैं, तमाम आप कह सकते हैं एक मेला लगा हुआ है, ये खुशियों का मेला। माँ की साफ तौर पर आपको बता दें, आराधना के साथ साथ खुशियों को भी मनाने के तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ कम नज़र नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ पर अगर हम फोकस करें तो देखें किस तरीके से कितनी खूबसूरत चीज़ें यहाँ लगी हुई हैं। मैम, आपका नाम क्या है? माय नेम इज़ दिव्या, शी इज़ आरती। हेलो मैम, आप कहाँ से? आई एम फ्रॉम देहरादून, शी इज़ लिविंग इन सीआर पार्क एंड शी हैज़ मेड ऑल दिस ब्यूटीफुल स्टफ। आप कब से यहाँ पर, आप लोग यहाँ आ रहे हैं? हमारा आज फर्स्ट, हाँ हम लोग 5 ईयर्स से आ रहे हैं, बट फर्स्ट टाइम स्टॉल लगाने का मौका मिला है। यहाँ पर आने के बाद आपको मतलब कैसा फील हुआ है, क्योंकि दुर्गा माँ सामने है और यहाँ पर हर कोई भक्ति में लीन है, तो आपको क्या कहना है, क्या कुछ कहना है? भक्ति में भी लीन है, खाने में भी लीन है, और शॉपिंग में भी लीन है। एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग ऑल्सो एंड प्रेइंग टू द गॉडेस ऑल्सो, एंड द एटमोस्फियर इज वेरी लाइवली एंड आर एक्सपीरियंस हैज बीन ग्रेट एंड द कस्टमर्स दे आर अप्रिशिएटिंग आवर वर्क ऑल्सो अ लॉट।
अगर कहा जाए कि हम अक्सर देखते हैं कि दुर्गा माँ अगर देखा जाए कैसी दिखती है, तो मूर्ति की तरफ हमारी निगाहें चली जाती हैं कि दुर्गा माँ ऐसी दिखती हैं, लेकिन आज की दुर्गा माँ को अगर ढूंढे तो कहाँ है दुर्गा माँ? She is among all of us, among all the women who are here, the entire committee that has arranged this function, everything led by women. So it is the women who are doing everything. तो यही मोटिव था आपसे बात करने का. मैंने इधर आपको साफ तौर पर इनकी ओर कैमरा किया है दिखाने के लिए कि महिला जो आपके सामने बोल रही है वो भी है, जो वहाँ पर बैठी है वो भी है, और जो मूर्ति में नजर आ रही है वो भी है. तो आपको बता दें यहाँ अधिकतर महिलाएं नजर आ जाएंगी. ये नौ दिन सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं होते हैं, हर दिन महिला का दिन होता है. मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हमारे साथ एक साफ तौर पर देख सकते हैं एक बहुत ब्यूटीफुल लेडी है. मैम आपका नाम क्या है? मिठू बैरागी. ओके मैम, यहाँ पर आप आई हैं, दुर्गा माँ सामने हैं, बेबी आपके सामने है, कहाँ है दुर्गा माँ अगर ढूंढे तो? सब जगह है दुर्गा माँ, बिल्कुल सबके दिल में, सबके दिमाग में, सबके मन में दुर्गा माँ. आपने बेबी को कैरी किया हुआ है. अगर आज हम कहें कि लेडीज कुछ भी कर सकती हैं, तो अगर कहा जाए कि आज की लेडीज में दुर्गा माँ को ढूंढे तो आप कहाँ, मतलब अपने आप को कैसे डिफाइन करेंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी बहन की बेटा है. ओके मैं मैरिड नहीं हूँ, बट हाँ मेरा ही एक तरफ से, बट हर लेडी में एक दुर्गा माँ का रूप है. वो कुछ भी कर सकती है, चाहे वो ऑफिस में लो, चाहे घर का लो, कुछ भी कर सकते हो, वट एवर एनीथिंग. तो देखिए मैंने आपको बताया, यहाँ खड़े खड़े ही आपको इतने एग्जाम्पल हमने दिखा दिए कि दुर्गा माँ मूर्ति में भी दुर्गा माँ की पूजा आप कर सकते हैं. एक स्टॉल पे हमने आपको एक खूबसूरत लेडी को दिखाया किस तरीके से सामान को बेच रही थी. बूढ़ी माँ अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखाई गई, जिन्होंने बताया अपने अंदर दुर्गा माँ को पहचानने की देर है. एक लेडी की गोदी में ये छोटा सा बच्चा था जो बता रही थी किस तरीके से एक महिला बच्चे को भी कैरी कर हर जगह घूम सकती है. तो माँ हर जगह है, हर रूप में है, आप में और हम में है. आप इस नवरात्र को किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं कि आपके अंदर भी दुर्गा माँ है, छुपी हुई है और पहचानने की देर है, तो कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा किस तरीके से अपने अंदर की दुर्गा माँ को आप पहचान रहे हैं. अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही. देखते रहे इंडिया न्यूज़. धन्यवाद.